वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं टीनेज इश्यूज़ पे और आइए दोबारा अपने गेस्ट से डिस्कस करते हैं। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे फौजिया और सहर। सहर, मैं आपसे शुरू करूँगी कि ये मुझे बताइए कि इतना जो एक मीडिया एक्सपोजर, इंटरनेट एक्सपोजर बढ़ता जा रहा है, इससे क्या हमारी नौजवान नस्ल, स्पेशली टीनेजर्स, ख़राब हो रहे हैं? क्योंकि ये सुनने में आता है कि बच्चों के पास इतनी एक्सेस है, ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ उन्हें नहीं जाना चाहिए, ड्रग यूज़ मैं कहूँगी बढ़ती जा रही है टीनेजर्स में भी, एक्सपोजर टू थिंग्स जो पहले नहीं था वो बढ़ता जा रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक्सपोजर तो बहुत बढ़ता जा रहा है। दे हैव एक्सेस टू सो मच जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे हम कि कहाँ से ये, यू नो, एज टीनेजर्स यू वांट टू नो थिंग्स, यू आर क्यूरियस बट यू हैड नो एक्सेस टू इट। बच्चों को है। दूसरा ये कि मीडिया इज अ टूल ऑफ प्रोपेगेंडा, इट्स अ प्रोपेगेंडा वॉर विच इज़ बीइंग वन एवरीवेयर। सो जाहिर है ये हमारी साइकी पे इम्पैक्ट करती है। नाउ फॉर दैट the responsibility again comes with the parents teaching you the value systems. Sorry. एक तो और ऊपर से आपको मॉनिटर भी करना है, ठीक है? आप दुनिया से हटके नहीं रह सकते, एंड अगर आप अपने आप को आइसोलेट करते हैं, यू डोंट नीड टू गो इनटू, यू वोंट नो हाउ टू गो इनटू मेन स्ट्रीम रियल लाइफ, बिल्कुल, सो टू स्पीक। आपने कल को इंटरैक्ट करना है, आपने काम पे जाना है, आपने हर किस्म के लोगों से मिलना है। अगर आप एक आइसोलेटेड सी दुनिया में रहते हैं, अगर आपके पेरेंट्स ने आपको सब चीजों से कट ऑफ करके रखा हुआ है, तो आप मिसफिट बन जाते हैं। आपको पता नहीं है कि आपने अपने आप को हैंडल कैसे करना है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों को सिखाएं, खुद रिस्पॉन्सिबल हों कि आप बच्चों को कितना एक्सपोजर दे रहे हैं। जस्ट बिकॉज अगर एमटीवी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप उनको 24 घंटे एमटीवी दिखाएं। ठीक है, आप उनको डिफाइन करें कि आपने कब कितना क्या देखना है, क्या हद है आपकी। ठीक है, तो अब देखिए फिर घर में भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जिस तरह से स्कूल में होने चाहिए, उस तरह घर में भी एक लिमिट सेट करना बहुत जरूरी है कि इतनी देर आप इंटरनेट पे जा सकते हैं, ये आप टीवी प्रोग्राम्स देख सकते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फौजिया, आप क्या समझती हैं? आई बीइंग अ मदर ऑफ थ्री, जी, आई थिंक दैट यू कांट, वही बात है, सहर इज एब्सोल्युटली राइट, यू कांट आइसोलेट देम। बिल्कुल। आई एज अ मदर आई गिव देम द चॉइस। ठीक है, आप उनको कहें कि दिस इज हाउ इट इज, यस आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप एनीथिंग। मैं आके आपके नहीं देखूंगी कि फेसबुक पे क्या है और टीवी पे आप क्या देख रहे हो, लेकिन आपको मुझे डेवलप करना है वो ट्रस्ट। ठीक है, और दैट आई कैन ट्रस्ट यू दैट इफ आई हैव टोल्ड यू दैट दिस इज नॉट टू बी डन, देन यू विल, फॉर माय सेक, टू कीप माय ट्रस्ट, यू विल नॉट डू इट। ठीक है, एक आप उनसे डील करते हैं बच्चों से, ठीक है, यू, आई ट्रस्ट यू, यू लिसन टू मी, ठीक है, यू हैव अ बेटर लाइफ, ठीक है, I'm not on your head all the time. You know, it works that way. आपको एक सिस्टम घर पे क्रिएट करना पड़ेगा जिससे आप बच्चों को ये चीज रीइंफोर्स कर रहे हैं। बिल्कुल, और वो सिस्टम जो है आजकल के जमाने में विद द किड्स दैट वी हैव ग्रोइंग अप, इट डजंट, इट्स नॉट जस्ट के बेटा प्लीज कर लो, मेरे खातिर कर लो, नो, यू, इट हैज टू बी अ गिव एंड टेक। ठीक है, एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स इट्स लाइक यू लिसन टू मी एंड यू गेट दिस फ्रीडम। ठीक है, यू डोंट लिसन टू मी एंड और तुम्हारी जिंदगी जो है ना, मैंने, इट विल बी हेल्प फॉर यू। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वी ऑल यूज दैट एज मदर। एक सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी होना चाहिए कि जब आपने ये कर लिया तो उसका कोई कॉन्सिक्वेंस होगा। हाँ, बिल्कुल, ठीक है। दूसरा ये कि आप बच्चों को अनलिमिटेड एक्सेस, एक हमारा कल्चर है, हर बच्चे के कमरे में टीवी है, वो जो मर्जी है देखे, ठीक है, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, बट द एंड ऑफ द डे बच्चा है, आपको देखना है कि आप इतना ज्यादा, कीप अ फैमिली टीवी। बिल्कुल, आई एग्री विद यू, और एन अ फैमिली कंप्यूटर भी ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे आप देख सकते हैं। आप ये नहीं उसको बच्चे को एहसास दे रहे कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं। देखिए सर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज जब हम बच्चे थे तो टीवी, अब मेरे ख्याल से पीटीवी एक चैनल होता था और सब लोग मिलके टीवी देखा करते थे। अब वो एक चीज खत्म होती जा रही है, हजारों चैनल हैं, बच्चों के पास बेतहाशा एक्सेस है, मगर विद द चेंजिंग टाइम्स हमें भी ऐसे नए टूल्स क्रिएट करने पड़ेंगे जिससे हम अपने बच्चों को बेहतर तरबियत दे सकें। अच्छा, वट एवर यू मेक योर किड्स यूज टू, दे गेट यूज टू दैट। अगर उनके पास शुरू से ही कमरे में टीवी नहीं है तो वो उनको आदत होगी कि जब देखना है लाउंज में आके देखना है, चाहे वो उस पर लड़ रहे हों, चाहे, लेकिन दे हैव दैट टाइम। अगर कंप्यूटर आपका जो है इट इज़ लाइंग इन द लाउंज
और इन अ पब्लिक प्लेस जहाँ पे आप आते जाते स्क्रीन देख सकते हो, तो फिर वो आप उसको अपॉर्चुनिटी ही नहीं दे रहे. व्हाई गिव हिम समथिंग कि बेटा ऑल नाइट यू हैव द लैपटॉप इन योर रूम, नोबडी विल एंटर. बिल्कुल, दे शुड नॉट गेट यूज्ड टू दैट. बिल्कुल. अच्छा, इसके अलावा और क्या प्रोग्राम्स हैं जो डेवलप किए जा सकते हैं एज ए नेशन? दूसरे मुल्कों में देखा जाता है कि बच्चे बहुत से कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं, स्पेशली ये जो जिस स्टेज की हम बात कर रहे हैं, टीनेज स्टेज की, बच्चों को कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व किया जाता है. वो ऑर्फनेजेस में जाते हैं, यतीमों की हेल्प करते हैं, या वो और प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से एक बच्चे को ऑलराउंडेड एक्सपोजर और एजुकेशन मिलती है. यहाँ पे देखा जाता है कि वो, फिर मैं वही बात करूँगी कि माँ बाप कहते हैं कि पढ़ाई का इतना प्रेशर है कि बच्चे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व नहीं है. आप क्या कहेंगे? यू नो, इसके अंदर एक दो पॉइंट्स हैं. एक तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हमारी एज अ नेशन सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का हमें बिल्कुल एहसास नहीं है, हम सिविक सेंस ही नहीं है. तो बच्चों के अंदर वो डालना एक तो ज़रूरी है, ना सिर्फ ये कि कीप्स देम आउट ऑफ ट्रबल, बट ये हमारे कौम की ज़रूरत है. तो मैं तो आप समझती हैं कि बेहतर कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स होने चाहिए. एक और चीज़ जो हम बच्चों को इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं करते कि पेरेंटल प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि आपने क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना. और ज़्यादा प्रेशर बच्चों पे अपना नहीं होता, पेरेंट्स का होता है. आई नो कि हम कुछ सब्जेक्ट स्कूल में नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते, जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा सा मैं जा रही हूँ, फ्रेंच नहीं हम इंट्रोड्यूस कर सके, इट्स देयर रीजंस व्हाई यू शुड हैव इट. हम नहीं पढ़ा सकते बच्चों को और इसका क्या फ़ायदा है, और फिर स्कूल्स अपनी पॉलिसी चेंज कर लेती हैं. अगर आप इस किस्म का कोई प्रोग्राम इनकॉर्पोरेट करते हैं जिसके अंदर बच्चे ये काम कर रहे हैं, पेरेंटल प्रेशर इतना होता है कि मेरा बच्चा यहाँ जाके काम करेगा या इसका ये फ़ायदा है, कि स्कूल्स अपनी पॉलिसी चेंज कर लेती हैं. सो इसमें ज़रूरी ये है कि स्कूल्स should be very constant and be very sure of what they want. और parents की भी involvement school के साथ ज़रूरी है, कि parents भी इस चीज़ को approve करें कि community projects होने चाहिए, बच्चों की involvement होनी चाहिए. Involvement चाहिए, parents की dictation नहीं चाहिए, because an educationist knows better what is good for their child, for a full rounded development of the child. इसके अंदर एक चीज़ civic responsibility develop करना, जिसके बाद में बहुत फ़ायदे होते हैं. ठीक है, बिल्कुल. I think that also on a larger scale, अगर टू डू कम्युनिटी वर्क यू आर समहाउ रिवॉर्डेड व्हेन यू जॉइन यूनिवर्सिटीज और इन पाकिस्तान यू जॉइन यूनिवर्सिटीज और व्हेन यू गो फॉर अ जॉब, ठीक है, तो वहाँ पे अगर ये बेनिफिट हो तो शायद इसी रीज़न के लिए कम्युनिटी वर्क करने के लिए पेरेंट्स भी अग्री हो जाएं और स्कूल्स भी प्रोग्राम्स डेवलप करें जहाँ पे द स्टूडेंट्स हैव द ऑप्शन टू गो, दे डोंट हैव टू हंट फॉर इट ऑन देयर ओन. बिल्कुल, वो एक सेटअप उनको दें. बिल्कुल. एंड आप खवातीन जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही हैं कि इसमें एक जॉइंट कंसर्टेड एफर्ट हर तरफ से जरूरी है, माँ बाप का, टीचर्स का और गवर्नमेंट का. जी बिल्कुल. अब जैसे एनसीसी आपको कराती है गवर्नमेंट, आप कॉलेज में जाते हैं आपको 20 नंबर मिलते हैं, तो इट्स नॉट सच अ फार फेच्ड आइडिया कि ये हो सके. बिल्कुल बिल्कुल, इट्स वेरी पॉसिबल. और दूसरे मुल्कों में ये सिस्टम्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, चल रहे हैं, इनसे बच्चों को, नौजवानों को बहुत फवायद हैं. बल्कि जब बाहर की यूनिवर्सिटीज में आप जाते हैं एडमिशन के लिए, तो आपसे अक्सर पूछते हैं कि भाई आपने पढ़ाई के अलावा क्या किया. एब्सोल्युटली. क्या आपने कहीं काम किया, किसी अंडरसर्व्ड एरिया में आप गए? तो ये हमें डेवलप करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब मैं थोड़ा सा पूछूंगी आप लोगों से, सॉल्यूशंस की तरफ हम चलते हैं, कि क्या सॉल्यूशंस आप समझते हैं, आप दोनों से मैं पूछती हूँ, फौजिया आपसे शुरू करती हूँ, क्या ज़रूरी है कि हम अपनी टीनेज नस्ल को एक बेहतर, ज़्यादा प्रोडक्टिव और सिक्योर नस्ल बना सकें? हमें क्या करने की ज़रूरत है एज अ टीचर आपका एंड एज अ पेरेंट आपका क्या ओपिनियन है? आई थिंक अगेन आई वुड गो बैक, अगर आप ये सवाल किसी स्टूडेंट से करें, किसी टीनेजर से करें, आई थिंक दैट दे हैव सो मेनी आइडियाज़ विद देम, शायद हम भी उन तक नहीं पहुँच सकते. बिल्कुल. वी नीड टू इन्वॉल्व देम. ठीक है. वी कैन नॉट जस्ट डिक्टेट कि ये अब आपने करना है. उनकी इन्वॉल्वमेंट से क्रिएट सम प्रोग्राम्स वेयर दे आर, क्योंकि दे कैन सी इट फ्रॉम दैट लेवल, वी जस्ट सी इट फ्रॉम द डिक्टेटोरियल लेवल कि हमने ये कराना है. ठीक है. Student involvement is very important. This is a very important point at the teenage level. We must take into consideration what they. कि उनके real issues क्या हैं, वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, किस तरीके से. They have a lot of solutions. ठीक है, ठीक है. Let me tell you an example. A child has done something wrong in class, and अगर हम
खुद से उसको कुछ पनिशमेंट या कोई रेप्रिकॉशन उसकी करें तो वो शायद इतनी इफेक्टिव नहीं हो जितनी अगर हम सबको पूछें कि व्हाट डू यू थिंक कि इसके साथ अभी क्या हो, या तुम बताओ कि तुमने ये किया है तो क्या व्हाट शुड बी, दे विल कम अप विद अमेजिंग सॉल्यूशंस. ठीक है, गुड पॉइंट. आई थिंक दैट टीनेजर्स, अगेन वी नीड टू ट्रीट देम मोर मैच्योरली, वी नीड टू आस्क देयर ओपिनियन. ऑफ कोर्स द फाइनल answer solution is ours, Sorry. but they've got a lot of stuff, they're exposed to so much. And another thing you should do, it's the silent thing that works, is be a role model. As a parent and as a teacher be a role model. ठीक है, जब आप छोटे होते हैं the teacher's your universe. बिल्कुल, आपकी टीचर जो करती है आपको वो नेचुरली अच्छा लगता है, आपको अपनी टीचर पसंद है तो आप वो करेंगे, आप वैसा बनेंगे. ठीक है, एंड जो आप उनको सिखाना चाहते हैं वो आप उनको करके दिखाएं. बिल्कुल बिल्कुल, तो आप एक बेहतर रोल मॉडल बनिए. अच्छा, आप मीडिया के हवाले से आप क्या समझते हैं, मीडिया में क्या प्रोग्राम्स डेवलप होने चाहिए जो बच्चों को एक गाइडलाइन दें, ना सिर्फ उन्हें वायलेंस और अग्रेशन और इन चीज़ों को एंडोर्स करें, मगर मीडिया वो क्या रोल प्ले कर सकता है एज पॉजिटिव मीडिया जिससे बच्चों का सुधार आए. सबसे पहले ये कि मीडिया को इतना सनसनीखेज नहीं होना चाहिए. ठीक है, एवरीथिंग इज स्कैंडलाइज्ड एंड पुट आउट देयर इन सच ए वे, हर चीज़ को उछाला जाता है, हर प्रॉब्लम को उछाला जाता है. अब तो आपके कम से कम न्यूज़ चैनल्स ने ये छोड़ दिया कि कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो तो वो एडिट करके दिखाते हैं, पहले सब कुछ दिखाते थे रियलिटी टीवी की तरह, हम टीवी को देख रहे हैं. बिल्कुल, तो मीडिया को इतना सनसनीखेज नहीं होना चाहिए. इनके भी जो इश्यूज हैं इनको ब्रिंग देम टू द फोर, बट इस तरह से ना उछालें कि बाज दफ़ा प्रॉब्लम होती नहीं है बट बाय द पावर ऑफ सजेशन, पावर उसको बाय द पावर ऑफ सजेशन बच्चे के अंदर दिमाग में वो बात बिठा दी जाती है या प्रॉब्लम बना दी जाती है. ठीक है, सो मीडिया की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिस्कशन. आई थिंक डिस्कशन ज़्यादा ज़रूरी है. एंड ऑल्सो आई थिंक दैट व्हाट वी डू इज़ हम लोग अपने जो विलन्स हैं और द पीपल हु आर डैमेजिंग उनको भी हम इतना हीरोज इतना वी मेक इट सो ग्रेट के स्टूडेंट यू नो चिल्ड्रन आर कंफ्यूज्ड और उनको आइडियलाइज करने लगते हैं, इतना बुरा काम किया है, इतनी उसकी कवरेज दे रहे हैं, दे बिकम आइकॉनिक, दे बिकम अनफॉर्चुनेट. यू नो देयर वाज एन एग्जांपल समबडी वाज गिविंग मी दैट समबडी उनका नीचे से दरवाजा लग रहा था घर में. ठीक है, समबडी कॉन्ड हर इनटू लिफ्टिंग द होल हाउस ताकि दरवाजा ना लगे. ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल. ठीक है, नाउ ठीक है, एवरीबडी टॉक्ड अबाउट गॉड, शी इज बीन फ्लीस्ड एंड शी इज बीन चार्ज सो मच फॉर दिस, लेकिन द गाय हु कॉन्ड हर ही इज अ बिगर हीरो. जी, कि वाओ लुक व्हाट ही डिड, व्हाट ही इज अकॉम्प्लिश्ड. ठीक है, उसने इतना बड़ा काम किया कि इस औरत इस खातून को इस तरह से सो यू नो वी नीड टू मेक श्योर वी टेल देम हु आर द रोल मॉडल्स टू फॉलो. ठीक है, ये जो आपने बात की फौजिया अंसार, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मीडिया हैज टू प्ले अ पॉजिटिव रोल एंड डेवलप हीरोज. जी, डेवलप हीरोज फ्रॉम देयर जनरेशन. अब हमारे हीरोज अभी तक कायदे आजम हैं जो हैं हीरो. बिल्कुल बिल्कुल, बट समबडी दे कैन रिलेट टू एज अ हीरो फ्रॉम देयर जनरेशन. बिल्कुल बिल्कुल, उनको मीडिया का फर्ज बनता है कि उनको सामने लाएं और उनको वो इज्जत दें कि वो रिलेट कर सके कि हाँ हमारी उम्र सही और गलत में बच्चा फर्क कर सके. और ये मीडिया का आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये एक पॉजिटिव रोल है जो होना चाहिए. आई रियली वॉन्ट टू थैंक यू लेडीज़ सहार फौजिया, आप हमारे शो पे आई और आपने हमें बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताई और कई ऐसी आई ओपनर्स बताए जो हमारी ऑडियंस ने सुना होगा, देखा होगा. उम्मीद है नाज़रीन आपने आज का हमारा शो देखा होगा और इससे कई बातें ऐसी सुनी होंगी जो आपके लिए और आपके बच्चों के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी. इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़.